रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। दोनों ही बचपन से सचिन तेंदुलकर का फैन था। दोनों ने ही बचपन से कहानियां सुना है कि कैसे बचपन से ही सचिन घंटों तक लगातार बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। फिर भी रमेश का मानना था सचिन बॉर्न टैलेंट है, मतलब इतना बढ़िया बैटिंग कर पाने की स्किल सचिन को पैदाइशी मिला है, इसलिए वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, सचिन जैसा बैटिंग स्किल वो कभी भी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन सुरेश का मानना था सचिन का हार्ड वर्क, बचपन से एक्सट्रीम प्रैक्टिस करने की वजह से ही सचिन अपने अंदर इतना बढ़िया बैटिंग स्किल डेवलप कर पाए हैं, और इसलिए दूसरा कोई, यानी कि अगर वो खुद भी सचिन के जितना या उनसे भी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाता है तो फिर वो भी एक दिन जरूर अपने अंदर सचिन के जैसा बैटिंग स्किल डेवलप कर सकता है। रिजल्ट, रमेश अभी भी टीवी पे सचिन को खेलते हुए देखकर तालियां बजाता है, और सुरेश अब इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ज्वाइन करके सचिन के साथ एक साथ बैटिंग करने उतरता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर वन, फिक्स्ड माइंडसेट पीपल, यानी कि जो मानते हैं उनका कैपेबिलिटी पहले से फिक्स्ड है और वो अगर चाहे भी तो उसे बदल नहीं सकते, मतलब वो पैदाइशी कुछ चीज़ों में अच्छे हैं और कुछ चीज़ों में बुरे। मैं मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ही बेसुरा गाता हूँ। ये है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की सोच। दूसरी तरफ नंबर टू, ग्रोथ माइंडसेट पीपल, यानी कि जो मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज पूरी तरह से उनके अपने कंट्रोल में होता है, वो अगर चाहे तो मेहनत करके उसे कभी भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि मेहनत करके जैसे वो किसी चीज़ में बेहतर बन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेहनत ना करने की वजह से वो किसी चीज़ में अपनी कैपेबिलिटी खो भी सकते हैं। मैं मैथ्स में अभी भी कच्चा हूँ, लेकिन अब मैं हर रोज़ एक घंटा करके मैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं भी तेज़ी से मैथ सॉल्व कर पाऊँगा। या फिर मैं अब बेसुरा गाता हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपने गाने की आवाज़ को ट्रेन करने के लिए ध्यान नहीं दिया है। ज़रूरत पड़ने पर वो भी सीख लूँगा, प्रॉब्लम क्या है? ये है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच। तो क्यों कुछ लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट, और कैसे एक फिक्स्ड माइंडसेट को बदल के ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर पाना पॉसिबल है, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर कैरल ड्वेक की लिखी हुई बुक माइंडसेट से आपके साथ शेयर करूंगा। स्मार्ट आइडिया नंबर वन, वी चूज आवर माइंडसेट। बचपन में पहली बार किसी एग्जाम में फेल होने के बाद पापा जब कहते हैं एक गधा पैदा हुआ है, तब उस बच्चे के पास दो ही रास्ते होते हैं। नंबर वन, पापा की बात को सच मानकर खुद को पैदाइशी गधा मान लेना और इसे एक एक्सक्यूज के जैसा यूज करके पढ़ाई करने की मेहनत करने से हाथ उठा लेना, और फिर बड़े होकर अपने फेलियर के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना कि क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से गधा कहकर बुलाया है इसीलिए मैं बड़े होकर गधा बन गया हूँ। अगर वो मुझे बचपन से गधा ना कहकर घोड़ा कहकर बुलाते तो फिर शायद मैं भी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाता। मतलब लाइफ में द पाथ ऑफ ब्लेम एंड एक्सक्यूज को चुन लेना। या फिर नंबर टू, पापा की बात को एज अ चैलेंज मान के पहले से और ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देना और पापा को ये प्रूफ करके दिखा देना कि ना तो मैं गधा बन के पैदा हुआ हूँ और ना ही मैं घोड़ा बन के पैदा हुआ हूँ, मैं इंसान बन के पैदा हुआ हूँ, और इंसान अगर चाहे तो खुद को अपनी मर्जी से गधा या घोड़े में बदल सकता है। शायद पढ़ाई करना बढ़ा देने के बाद भी फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन अगर पेशेंस के साथ प्रैक्टिस जारी रखा जाए तो परफेक्शन एक ना एक टाइम मिलना ही मिलना है, और फिर बड़े होने के बाद अपनी सफलता के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना कि अगर वो बचपन में मुझे नहीं डांटते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। मतलब लाइफ में द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड प्रैक्टिस को चुन लेना। अब चॉइस आपकी है, जो पाथ आप चुन लोगे उस हिसाब से ही आपका माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर टू, हैव द करेज टू आर्ग्यू विथ योर फिक्स्ड माइंडसेट। शायद आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हो और शुरू में ही आपके अंदर से फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस ने कहा, तुझे सच में लगता है तू ये एग्जाम क्रैक कर सकता है? तब आपको करेज के साथ अपने ग्रोथ माइंडसेट वॉइस से कहना पड़ेगा, मे बी श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है, कम से कम नया कुछ सीखने को तो मिलेगा। जवाब में आपके फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस ने कहा, लेकिन अगर तू फेल हो गया तब क्या होगा? तब तो लोग तेरे बारे में गॉसिप करने लगेंगे कि उसने सोच कैसे लिया कि वो ये एग्जाम क्रैक कर पाएगा। हाँ,
जो लोग तुझे पढ़ाई में अच्छा जानते थे उनके नजरों में भी तेरा इमेज डाउन हो जाएगा। इससे बढ़िया है अगर तू कोशिश ही ना करे तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। तब फिर से करेज के साथ अपने ग्रोथ माइंडसेट वॉइस से खुद को कहना होगा, लेकिन मैं अगर कोशिश ही ना करूं फिर तो मैं वैसे ही फेलियर बन जाऊंगा, उससे अच्छा तो कोशिश करके फेलियर बनना ज़्यादा बेटर है। फिर जब पहली बार कोशिश करने के बाद शायद आप फेल हो गए, तब आपके फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस ने कहा, मुझे पता था नहीं हो पाएगा, पढ़ने के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं है, एग्ज़ाम लेने का सिस्टम सही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना हो पाता है। तब आपको फिर से अपने ग्रोथ माइंडसेट वॉइस से कहना होगा, इसे उसे ब्लेम करने से क्या फ़ायदा, ज़रूर मेरे प्रिपरेशन में कहीं पर कमी रह गया था, नहीं तो जिन लोगों का हुआ है उनका कैसे हो पाया। इससे अच्छा इस बार मैंने कहाँ कहाँ पर गलती की है उसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि अगली बार उसे ठीक कर सकूँ। ऑथर के हिसाब से हम सभी के अंदर फिक्स्ड एंड ग्रोथ दोनों ही तरह के माइंडसेट होते हैं, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करके, एक्सक्यूज दे करके, बिना कोई मेहनत किए बड़े आसानी से हम फिक्स्ड माइंडसेट को पकड़ के रख पाते हैं, इसलिए लाइफ के ज़्यादातर फील्ड में हम फिक्स्ड माइंडसेट को चुन लेते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि पेशेंस के साथ प्रैक्टिस जारी रख के, मेहनत करके हमें ग्रोथ माइंडसेट को पकड़ के रखना पड़ता है, इसीलिए लाइफ के ज़्यादातर फील्ड में हम ग्रोथ माइंडसेट को पकड़ के रखने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल बन पाने के लिए हमें अवेयर होके इस हैबिट को बदलना होगा। जैसे कि इस बुक के ऑथर कैरल ड्वेक ने कही है, हम जिन्हें अपना आइडल या सुपर हीरो मानते हैं वो पैदाइशी हमसे अलग है ये मान लेना हम पसंद करते हैं। हम ये नहीं मानना चाहते कि वो लोग भी बिल्कुल हमारे जैसा ही बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है जिन्होंने अपने मेहनत के जरिए खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाए हैं। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर कैरल ड्वेक की लिखी हुई माइंडसेट बुक खरीद के पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट ओवरकम करके एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए मोटिवेट करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।